नमस्कार दर्शकों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। सो माय नेम इज शोभित चौहान एंड विद एक्टर मॉडल एंड डांसर। माय स्टोरी टॉक शो में आपका स्वागत है। तो आइए जानते हैं आज की क्वेश्चंस और आज तक के बारे में। मेरी बात कहने से पहले ना आपको एक और बात है जो बताना चाहूँगा कि मेरी आंखों में थोड़ा सा इन्फेक्शन आया हुआ है और मेरा गला थोड़ा सा खराब है, तो आज का एपिसोड आपको इस तरीके से हैंडल करना पड़ेगा। तो आइए जानते हैं क्वेश्चंस और आंसर के बारे में। योगी साहब घर से गए हो और फैमिली वालों को उम्मीद के ख्वाब दिखाकर और बिना काम किए घर वापस आए हो, तो कैसा रहा होगा आपकी फैमिली वालों का रिएक्शन? या मतलब मैं बात क्यों बोलते हो बोलियो सर? तो ये हादसा मैं अपनी जिंदगी में कभी नहीं भूल सकता हूँ। मुझे बचपन से ही एक्टर, मॉडल एंड डांसर बनने का शौक है और उसके सिलसिले में अक्सर लोगों से मेरी बातें होती रहती है। लोगों को कॉन्टेक्ट करता रहता हूँ ये सोचकर कि मुझे कहीं से ना कहीं से काम मिल जाए। सो गुजरात से किसी बंदी ने कॉल आया था और उसने मुझे बताया कि योगेश, हमें मुंबई के पास जो वाकई अलवर शहर है वहाँ हमें एक्टर्स की रिक्वायरमेंट है। भाई वह तो खुशी के मारे बहुत पागल हो गया था क्योंकि बहुत सारे पॉलिटिक्स करता रहता हूँ, मैसेज करता रहता हूँ, तो काम आता है तो मैं खुश हो गया। तभी उन्होंने मुझे सारी प्रोसेस बताई और मेरा डर से जहाँ फिक्स हो गया। वहां जाने के बाद मुझे ये पता चलता है कि जो मुझे लेकर आए थे वो लोग फ्रॉड थे। मैंने सोचा भैया मैं तो फंस गया यहाँ पर, आज तक अब क्या करूं मैं। फिर मैं वहां से निकला। वहां से निकलने के बाद बस स्टेशन गया, मेरे पास पैसे नहीं। अब मैंने सोचा भैया करूं तो करूं क्या, क्योंकि मैं तो थक गया था अच्छा खासा वहां पर, अब करूं तो करूं क्या। फिर मैंने अपने दोस्त को कॉल किया और मेरे दोस्त ने मुझे बताया कि योगेश आप टेंशन मत लो, मैं वैसे हैं जो ट्रांसफर कर रहा हूँ आपको, आप किराया का भी घर आ जाएंगे। मैंने बोला चलो ठीक है आप करो इतना। उसके बाद मैंने किराया दिया और बस मिली और अहमदाबाद के निकल गया। अब बीच रास्ते ना हुआ ऐसा कि बस कहीं स्टेशन पर चाय को नाश्ता करते धीरे खड़ी रह गई और मुझे लगी वॉशरूम, तो मैं चला गया वॉशरूम। वॉशरूम से बाहर निकल अब वो तो इस दुनिया की सबसे बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग मुझे होती है। मुझे ये मिसअंडरस्टैंडिंग होती है कि मेरी बस चली गई है और मैं किसी अनमोल पथ के पीछे भाग रहा हूँ जो कि वो बस मेरी नहीं है। इतना मारता हूँ, इतना मारता हूँ कि मैं भागते भागते थक गया और वहीं पर बैठ गया। किसी मुझसे काम का बंदा आता है और मुझे बताता है कि योगेश आपको क्या हुआ। फिर मैं उसे सारी बातें बताता हूँ, यार मेरे ऐसा ऐसा हुआ है मेरे साथ। उसने मेरे को बताया कि काम करिए, जिस स्टेशन पर आप खड़े थे आप उसी स्टेशन पर चलिए, हम बस को वापस दिलाने की कोशिश करेंगे। मैंने बोला चलो ठीक है कोई बात नहीं। मैं गया तो देखा तो मेरी बस वहीं पर खड़ी थी। मैंने बोला सबसे बीजेपी मिसअंडरस्टैंडिंग मेरी ये हो गई थी और मुझे ये हो गई थी, मेरा बोला मैं एकदम बाबा कैसे हो सकता हूँ। फिर मैंने ये सारी बातों को फोन कर आसमान की तरफ देखा और मैंने बोला कि ईश्वर आप मेरी डिग्री परीक्षा बोले, पर मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप मेरी परीक्षा ले सकते हो क्योंकि आपका हम बनता है। मैंने बोला कि मरे हुए इंसान को आप मार रहे हो पर कोई दिक्कत नहीं है, आपका हक बनता ही नहीं। उनके बाद मैंने एक थोड़ा सा अपना पॉजिटिव एटीट्यूड रखा। मैंने बोला कि वक्त आएगा ना तो आप भी ये सोचोगे कि आपका पाला भी किस बदले के साथ पड़ा है। इन बस में बैठा और घर के लिए मैं निकल गया और अहमदाबाद आया और मेरे अपने घर वालों को सारी बातें बताई। मैंने बोला मम्मी ऐसा ऐसा हुआ है, तो मेरी मम्मी ने बोला कि चलो छोड़ो, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, आपको सीखने तो मिला कुछ, तो समझने तो मिला। तो मैं भी आपको यही कह सकता हूँ कि अगर आप इस लाइन में हो, फिल्म इंडस्ट्री आई हुए हो, तो लाइक किसी पर बहुत जख्त भरोसा नहीं करना चाहिए, हमें थोड़ा सा ध्यान रखना बहुत जरूरी है। सो आज के लिए इतना ही। मैं आपको कल फिर मिलता हूँ एक नए एपिसोड के साथ, एक नए ब्लॉग के साथ और एक नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड गुड नाइट। और हाँ, मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है ना?